हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज बनाने वाले हैं ब्रेड का बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी स्नैक्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके लिए अनियन टमाटोज़ लिए हैं और टमाटोज़ के मैंने सीड्स निकाल दिए। आप इसमें चाहें तो कोई भी आपकी जो मनपसंद वेजीज हो वो डाल सकते हैं, कैप्सिकम, कॉर्न, एनीथिंग। अब इन सभी को मैंने चॉपर में डाल के इस छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। आप चाहो तो हाथ से भी काट सकते हो, लेकिन छोटे छोटे पीस में काटेंगे तो बच्चों को खाने में ईजी रहेंगे। तो देखिए, मैंने इसको बहुत छोटे छोटे पीस में काट लिया है। मैंने ऐसे और भी टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़ अपने चैनल पर डाली हैं, तो उसको भी देख सकते हैं आप। तो लीजिए, मैंने बिल्कुल चॉप कर लिए हैं अपनी वेजीज़ को। इसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सॉल्ट डाला है, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है एंड चिली फ्लेक्स डाला है, क्योंकि ये बच्चों को आजकल बहुत पसंद आते हैं। आप चाहें तो मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इन सबको मिक्स करके साइड में रख दीजिए। अब मैंने इसमें बीट रूट लिया है इसमें ग्रेटेड, और मैंने इसमें थोड़ी चीज़ ली है, और ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये हमारा हंग कर्ड। मैंने इसमें मेयोनीज़ यूज़ नहीं की, बिकॉज मेयोनीज़ हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस है उसको डाला है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी केचप भी डाल सकते हो, अगर बच्चों को थोड़ा स्वीट अच्छा लगता है खाना। तो सबको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। इसको बच्चे पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये मेयोनीज़ नहीं है, ये हमारी अलग ही तरह की स्प्रेड है, वो भी हेल्दी वाली। तो मैंने एक ब्रेड लिया है, अब मैंने इसमें जो हमने स्प्रेड बनाया हुआ था हंग कर्ड का, इसको मैंने अच्छी तरह स्प्रेड किया है, इसकी थिक लेयर लगाई है चारों तरफ। तो ये हमारे हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, इसमें कर्ड भी है, इसमें वेजीज़ भी हैं, तो हमारे बच्चों के लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छी हैं। हम टिफ़िन में रख सकते हैं इनको, हम चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो सब मैंने जो वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी थी इनको मैंने अच्छी तरह चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा जो ग्रेटेड हमारा बीट रूट था उसको स्प्रिंकल करा है। तो ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है और देखने में लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसमें चीज़ स्प्रेड करी है, बच्चों को बिना चीज़ के मज़ा नहीं आता है। तो जब बड़े खाना चाहें, वो चीज़ नहीं खाना चाहें, तो उसमें आप पनीर भी डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल किया है ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स, थोड़ा चाहें तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं इसमें। अब मैंने एक पैन लिया है, आप चाहो तवा ले लो, उसमें आप मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, आप चाहो तो बटर लगा सकते हो, ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। उसको मैंने कुक किया है लो फ्लेम पे, जिससे कि जो हमारी ब्रेड है नीचे की अच्छी तरह सिक जाएगी। उसको हम ढक के बनाएंगे, तो इससे हमारी जो चीज़ है अच्छी तरह मेल्ट भी हो जाएगी। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब बिल्कुल हमारा रेडी है ये स्नैक्स। तो आप इसको टिफ़िन बॉक्स में बच्चों के साथ रखिए, आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में खाइए और बिल्कुल इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसे और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ चेक आउट माई चैनल।